नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य प्रमोद उपाध्याय अपने इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत करता हूँ। आप सभी के समक्ष उपस्थित हूँ आज एक विशेष कार्यक्रम के साथ, यानी कि भगवान शिव का महान पर्व महाशिवरात्रि जल्द ही आने वाला है। महाशिवरात्रि का यह महान पर्व, वैसे देखा जाए तो साल के जितने भी बड़े बड़े पर्व त्यौहार आते हैं उसमें विशेष करके भगवान शिव के सबसे बड़े त्यौहारों में एक माना जाता है। शिव की कृपा प्राप्त करने के लिए महाशिवरात्रि से बेहतर समय कोई और नहीं हो सकता है पूरे वर्ष में। तो इस वर्ष महाशिवरात्रि का जो पावन पर्व है वह फाल्गुन कृष्ण पक्ष त्रयोदशी, जो कि प्रत्येक वर्ष उसी दिन आता है, तो इस वर्ष का जो वह त्यौहार है वह आने वाला है 21 फरवरी 2020 शुक्रवार के दिन। तो महाशिवरात्रि का जो पावन पर्व है इसका शास्त्रों में बड़ा ही अद्भुत महत्व है। महाशिवरात्रि पर किया हुआ प्रत्येक उपाय या फिर भगवान शिव का अभिषेक यानी कि रुद्राभिषेक या भगवान शिव को जल अर्पित करना प्रत्येक समस्याओं का समाधान हो सकता है। अब यह जो महाशिवरात्रि का पावन पर्व है यह क्यों मनाया जाता है या इस दिन विशेष क्या करने की आवश्यकता है जिससे आपके जीवन की प्रत्येक समस्याएं खत्म हो जाए और जीवन में खुशियां ही खुशियां मिले। आगे बढ़ते हैं। सर्वप्रथम आप सभी को जानकारी दे दूं कि यह महाशिवरात्रि का जो पावन पर्व है इस दिन माँ पार्वती और भगवान शिव के विवाह के रूप में भी इस पर्व को देखा जाता है। उसके अलावा भगवान शिव निराकार रूप से साकार रूप में इसी महाशिवरात्रि के दिन प्रकट हुए थे इस ब्रह्मांड में। इससे भी महाशिवरात्रि के पावन पर्व का अद्भुत महत्व बढ़ जाता है। इस दिन भगवान शिव के ऊपर बिल्वपत्र या फिर जलाभिषेक करने से और बिल्वपत्र चढ़ाने से कोटि कोटि यानी कि करोड़ों जन्म के पापों का नाश हो जाता है और पुण्य की वृद्धि होती है, यानी कि पुण्य का उदय होता है जिससे आपके जीवन में आपका भाग्य चमक जाता है। और इस भगवान शिव का जो पावन पर्व है इस दिन आपको प्रातः काल स्नान ध्यान करके और बिल्वाष्टक का पाठ करना चाहिए। उससे जीवन में आ रही प्रत्येक समस्याओं का आप समाधान प्राप्त कर सकते हैं। उसमें भी एक श्लोक बड़ा ही सुंदर है बिल्वाष्टकम के अंदर। वह श्लोक है दर्शनम बिल्व वृक्षस्य स्पर्शनम पापनाशनम अघोर पाप संहारम बिल्वपत्रम शिवार्पणम। श्लोक को पुनः एक बार सुन लीजिए। दर्शनम बिल्व वृक्षस्य स्पर्शनम पापनाशनम अघोर पाप संहारम बिल्वपत्रम शिवार्पणम। बिल्व वृक्ष के स्पर्श मात्र से सभी पापों का नष्ट हो जाता है और बिल्वपत्र को भगवान शिव को अगर अर्पित कर दिया जाए तो कई करोड़ों के जो करोड़ों करोड़ों के जो जन्म के पाप होते हैं वह सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और जीवन में भाग्योदय हो जाता है। इस दिन इस श्लोक का अगर आप पाठ करते हुए भगवान शिव को 11, 21 या फिर 51 या हो सके तो 108 बिल्व पत्र अगर भगवान शिव को अर्पित करते हैं तो आपको मन चाहा फल मिलेगा। उसके अलावा आपको एक श्लोक और भी बता देता हूँ, सूक्ष्म श्लोक है लेकिन वह आपके जीवन में मन चाहा फल देने वाला है। वह श्लोक है, वह जो मंत्र है छोटा सा, ओम ह्रीम ह्रुम हुम महादेवाय स्वाहा। मंत्र को फिर से एक बार सुन लीजिए। ओम ह्रीम ह्रीम ह्रुम महादेवाय स्वाहा। इस मंत्र का जप करते हुए रुद्राक्ष के माला से अगर आप भगवान शिव के लिंग पर बिल्वपत्र समर्पित करते हैं तो आपको मन चाहा फल भगवान शिव देंगे। तो स्नान ध्यान करने के बाद उपवास करें और उपवास करके भगवान शिव के मंदिर में जाएं या शिवलिंग आपके घर पे हो तो भगवान शिव का सुंदर जलाभिषेक करें। और जो मैंने अभी श्लोक बताया हुआ डिस्क्रिप्शन में आपको मिल सकता है उसी से भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए अभिषेक करें या फिर बिल्व पत्र अर्पित करें। इससे आपके जीवन में आ रहे प्रत्येक समस्याओं का समाधान हो जाएगा। मुझे आशा है कि मेरा यह कार्यक्रम आप सभी को पसंद आया होगा। तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को दबाएं जिससे नई नई जानकारी आप तक पहुंचती रहे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।